सदस्य इससे सहमत होंगे कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर एकमत होकर प्राथमिकता से कदम उठाने आवश्यक हैं। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व सेक्रेटरी जनरल नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कोफी आनन ने कहा था, जेंडर इक्वालिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ, इट इज अ प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस। अर्थात लैंगिक समानता अपने आप में एक लक्ष्य से बढ़कर है। ये गरीबी कम करने, सतत विकास को बढ़ाने तथा सुशासन के निर्माण की चुनौतियों का सामना करने की पहली शर्त है। हम बालिका के जन्म से उसके संबलन हेतु सशक्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु क्रय किए जाने वाले मिल्क पाउडर पर 200 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास व विस्तार तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गर्म पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु गैस की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। इस क्रम में प्रथम चरण में इस वर्ष 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन के लिए मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस हेतु शुरू की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है। हमने 5 वर्षों में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं 15,000 समूहों को आजीविका संवर्धन राशि उपलब्ध करवाते हुए 40,000 नवीन SHGs गठित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाना प्रस्तावित है। जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा करते हैं। प्रदेश में विशेष योग्यजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दिव्यांगजन को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे लगभग 50,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग किट्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को AI AR आधारित स्मार्ट ग्लासेस तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों को
डिजिटल हियरिंग एड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 दिव्यांगजन को स्कूटी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रेयर डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर हेतु 1,00,000 रुपए की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित रोगी के साथ अटेंडेंट सहयोगी को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते हुए मैं यहां स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा करती हूं। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसके साथ ही संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल संरक्षण व पुनर्वास हेतु 50-50 क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देह सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपये को बढ़ाकर अब मैं 60,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को की पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। सुशासन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन सुशासन के संबंध में कहा है, हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है, हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं, हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है, हमने तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है। राजस्थान के विस्तार एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तक अपनी पहुंच बनाकर उन्हें डोरस्टेप सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराना जटिल कार्य होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए